एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तान को एटमी ताकत पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आज बरोज इतवार 10 अक्टूबर को इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। समाजी खुशी गुफ्तगू में वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने तस्दीक करते हुए कहा कि निजी अस्पताल में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। शेख रशीद ने मजीद बताया कि इन्हें फौजी इज्जत के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। इंतकाल के वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर की उम्र 86 साल थे। वो कुछ अरसे से आलील थे। आज सुबह उन्हें तबीयत खराबी के बायस इंतकाल मुंतकिल किया गया। ताहम वो जानबर न हो सके और सुबह 7 बजे इंतकाल कर गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनकी नमाज जनाजा आज 3:30 बजे फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी, जबकि तदफीन भी इस्लामाबाद में ही की जाएगी। ये पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत और पहली पाकिस्तानी है जिन्हें 3 सदारती अवार्ड मिले। उन्हें 2 बार निशान इम्तियाज से नवाजा गया, जबकि हिलाल इम्तियाज भी अता किया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर के जिंदगी पर एक नजर। डॉक्टर खान हालिम से मास्टर ऑफ साइंस जबकि बिल्जियम से डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की असनाद हासिल करने के बाद 31 मई 1947 में उन्होंने इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉरेटरीज में शमूलियत इख्तियार की। इस इदारे का नाम 1 मई 1981 को जनरल जियाउल हक ने तब्दील करके डॉक्टर ए क्यू खान रिसर्च लेबॉरेटरीज रख दिया। ये इदारा पाकिस्तान में यूरेनियम की अफजोदगी में नमाया मकाम रखता है। डॉक्टर कदीर खान 15 वर्ष यूरोप में रहने के दौरान मगरबी बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ्ट और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लेवन में पढ़ने के बाद 1976 में वापस पाकिस्तान आ गए। मई 1998 में पाकिस्तान ने भारतीय एटम्बम के तजर्बे के बाद कामयाब तजर्बा किया और बलूचिस्तान के शहर चाही के पहाड़ों में होने वाले इस तजर्बे की निगरानी डॉक्टर कदीर खान ने ही की थी। 1936 में हिंदुस्तान के शहर भोपाल में पैदा होने वाले डॉक्टर खान ने एक किताबचे में खुद लिखा है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का सिंग बुनियाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखा और बाद में आने वाले हुक्मरानों ने इस परवान चढ़ाया। मिसाइल की तैयारी के लिए अब्दुल कदीर खान की खिदमत। कोटा रिसर्च लेबॉरेटरीज ने सिर्फ एटम बम बनाया बल्कि पाकिस्तान के लिए 1000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले गोरी मिसाइल समेत छोटी और दरमियानी रेंज तक मार करने वाले मुतादिद मिसाइल तैयार करने में भी अहम किरदार अदा किया। इस इदारे ने 25 किलोमीटर तक मार करने वाली मिल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, लेजर रेंज फाइटर्स, लेजर थ्रेट सेंसर, डिजिटल गुनोमीटर, रिमोट कंट्रोल मैन एक्सप्लोडर, टैंक शकन गन समेत पाक फौज के लिए जदीद दिफाई आलात के अलावा टेक्सटाइल और दिगर सनअतों के लिए मुतादिद आलात भी बनाए। जनरल मुशरफ की दौर में बतौर मशीर डॉक्टर खान को सदर जनरल परवेज मुशरफ ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव अपना मशीर नामजद किया और जब